हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और दोस्तों आज जा रहे हैं लॉन्ग रूट पे, और लॉन्ग रूट बोले तो दोनों जा रहे हैं दिल्ली। देखते हैं क्या रहता है सफ़र में। और अभी मॉर्निंग के बजे 6:30 और बस का हो रहा है वेट। देखते हैं अभी कहाँ जैसे आकर मिलती है। जो भी रहेगा दोस्तों आप लोगों से शेयर करूँगा। और हम पहुँच चुके हैं इस वक्त पिपली में, जहाँ पर लंच वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी बसें रुकती हैं, जितनी भी बसें हैं लॉन्ग रूट की सारी यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। सो हमने भी थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि लॉन्ग सफर में खा नहीं पाता हूँ ज़्यादा। और खा पी के दोस्तों अब हो गए सफ़र पर चलने की तैयारी। और दोस्तों उसके बाद पहुँच चुके हैं हम कश्मीरी गेट बस अड्डा, और यहाँ से ये ऑटो का नंबर, और यहाँ से हम ऑटो द्वारा पहुँचेंगे दीदी के घर। और देखते हैं दोस्तों यहाँ से कितना समय लगता है, ऑटो वाले से बातचीत की। सो चलते हैं आगे। कितना टाइम लग जाता है ये यहाँ से? अभी कितना टाइम लग जाता है यहाँ से? कम से 1.5 घंटा लगेगा, दूर पड़ता है। अच्छा, यूपी में है? यूपी। अच्छा। और चलते चलते दोस्तों रास्ते में लग चुकी थी बारिश हल्की, बिल्कुल ठंडा मौसम, कूल वेदर हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखा मुझे इंडिया का फ्लैग, जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। सो मैंने इसे भी शूट किया। और दोस्तों ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि शाम को मैं शूट ही नहीं कर पाया, थक गए थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कहा चलो बाज़ार घूमते हैं। बाज़ार तो क्या ऐसी खास बड़ा तो नहीं था। सो हमने ले ली थी यहाँ पर जैकेट। अलग अलग करना, आराम से पकड़ के ले जाओगे तो एक में कर दो। क्यों फायदा क्या? उसके बाद दोस्तों मार्केट में घूमे थोड़ा बहुत, दुकानें काफ़ी प्यारी लग रही थी, सजी थी सभी। नोएडा नेशनल हाईवे दोस्तों, और भाई रात को रास्ता भूल गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और देखो हमारी छुट्टी कैसे भाग रही है। चारू कहाँ जा रही? कुछ नहीं सुनाई दे रहा भाई, है ना? पता नहीं चल रहा कुछ, पता नहीं क्या है, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही। हर महादेव, जय भोले शंकर की। दोस्तों हम आए थे शनि मंदिर, हाँ दीदी घर के पास ही, और ये भोले शंकर के दर्शन कर लिए हैं। बाकी चलेंगे शनि मंदिर। जय। दोनों जने जा रहे हैं पूजा करने। चलो। शनि महाराज की जय। प्रसाद है, थोड़ा प्रसाद लेकर भोग लगा के खाली। और दोस्तों दिन भर घूमने के बाद हम शाम को घर आ गए थे दीदी के, और यहाँ चल रही थी पूजा की तैयारी दीपावली वाले दिन की। सो हमने पूजा पाठ किया, काफ़ी इन्जॉय किया। और दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हम चल पड़े साईं टेंपल की ओर, और साईं बाबा के मंदिर जाना भी ज़रूरी था। तो दीदी ने कहा बहुत अच्छा टेंपल है, सो मैं कहा चलो दर्शन करके आते हैं। तो ऑटो वाले भाई से बातचीत की और बढ़ चले मंजिल की तरफ।
आए थे बैठकर, अब पहुंचेंगे सामने मंदिर की तरफ। ये मंदिर है और अब जाएंगे मंदिर की तरफ। दोस्तों मंदिर में पहुंच चुके हैं, साईं मंदिर में, और अंदर हमें वीडियो नहीं बना दी जाएगी तो मैं बाहर का शूट कर रहा हूं। दोस्तों हम आए थे साईं मंदिर और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों, बाहर से ही वीडियो बना रहा हूं। ओम साईं राम जी। काफ़ी सुकून भरा टेंपल है दोस्तों, काफ़ी आनंद आया यहां पर आकर। और ये कुछ बाहर का ऐसा काफ़ी अच्छा है बहुत। और दोस्तों पूजा पाठ हमने कर ली है, अब निकलेंगे वापस नोएडा की तरफ। काफ़ी बड़ा टेंपल है। नेक्स्ट पार्ट में आपको ले चलेंगे एक ऐसा गांव जहां रावण की पूजा होती है, वहां उस गांव में रामलीला नहीं मनाई जाती। सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भोले शंकर।